guys, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Hello friends, welcome to Wings Ek Udaan. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया, वो जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, पब्लिक डोमेन एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, एक टॉपिक भी है सेपरेट, और ये सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया हुआ। इसी के साथ हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता है वहां पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लेकिन सेकंड पोर्शन जो इसी के साथ ही अटैच्ड है कंप्यूटर हार्डवेयर, वो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें दो या तीन या चार वीडियोस आ सकती हैं, ठीक है। आज हमारी पहली वीडियो रहेगी कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, हमें यह पता है, ये मैंने आपको पहले भी, इनफैक्ट हम सबको पता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को यूज करने के लिए, इनफैक्ट, ठीक है। अगर हमारे पास कोई हार्डवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते, अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में तो हम हार्डवेयर के साथ कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जितना सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है उतना ही हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हार्डवेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से, ठीक है। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड बाय द यूजर, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हार्डवेयर वो कंपोनेंट, टेंजिबल पार्ट बोलते हैं इसको, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर, और जिसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उनको हम बोलते थे सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखिए सिंपली यहां पे सॉफ्ट हार्डवेयर के, तो अब इन हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए हार्डवेयर में सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये हमारा देखिए सिलेबस में जेके एसएसबी वालों ने ये एक ही टॉपिक है, इनफैक्ट इन्होंने अलग अलग मेंशन कर दिया हुआ है, बट ये टॉपिक एक ही है हार्डवेयर के अंदर ही। देखिए आप कोई भी चीज हार्डवेयर को उठाएंगे वो या फिर इनपुट होगी या फिर आउटपुट होगी, ठीक है, कुछ इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। और उन्होंने सेपरेट किया, आपको वहां पे सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और अलग किया हुआ है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर हम हार्डवेयर पढ़ेंगे तो उनके बीच में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, तो हमारे साथ में इसको टॉपिक एक हार्डवेयर के पढ़ने के साथ हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर तो कंप्लीट होगा ही होगा, साथ में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्लीट होंगे इसके साथ में, ठीक है। तो यह मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको, इसलिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अगर मैं बात करूं हम किस लिए यूज, ये काम क्या आता है इनपुट, हमने पहले आपको, मैंने पहले डायग्राम में भी पहले बताया हुआ था कि हम इनपुट को क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपने कंप्यूटर को देना है, कुछ आपने प्रोग्राम करवाना है, कुछ भी फंक्शन, कुछ भी काम करवाना है कंप्यूटर से, तो आपको सबसे पहले उसको इनपुट देना है, ठीक है, उसी को इनपुट कहेंगे, डेटा इनपुट, इंफॉर्मेशन कहें, इंस्ट्रक्शन कहें, कुछ भी कहें, जो भी आप कंप्यूटर को दे रहे हो वो इनपुट है, ठीक है। और वो जो डिवाइसेस इनपुट, मतलब जो डिवाइसेस आपका डेटा कंप्यूटर के अंदर जाने में मदद कर रही हैं, उनको भेज रही हैं अंदर, तो इसका मतलब वो सारी डिवाइसेस कौन सी होंगी, वो इनपुट होंगी। और जो डिवाइसेस कंप्यूटर से बाहर आपको डिस्प्ले कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, किसी भी मॉनिटर में डिस्प्ले, या फिर स्कैनर में, या फिर प्रिंटर में, या किसी भी फॉर्म में आपको वो आपको चीज मिल रही है सॉफ्ट, वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, ठीक है, सिंपली मतलब ये है इसका। अब देखिए इनपुट में क्या आ जाएगा, प्रोवाइड, ये क्या काम करते हैं, मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। देखिए जाहिर सी बात है, आप अगर इनपुट हम दे रहे हैं आउटर वर्ल्ड से, आउटर वर्ल्ड मतलब क्या हो गया, यूजर, जो आप बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हुए इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर में, तो ये कंप्यूटर के लिए हम तो आउटर वर्ल्ड हो गए ना, तो हम अगर कोई भी चीज दे रहे हैं तो वो इनपुट हो जाएगा, और वो कोई भी दे वो आउटपुट हो जाएगा। तो ये क्या, कम्युनिकेशन का एक फील्ड या एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कौन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, क्या करते हैं, जब हम यहां से डेटा इनपुट के थ्रू देते हैं और वो आउटपुट के थ्रू हमें जो डेटा, हमें जो भी चाहिए होता है वो प्रोग्राम हमें डिजायर डेटा दे देते हैं, ठीक है। ये क्या, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, हम उनको इनपुट के थ्रू समझा पाते हैं, वो आउटपुट के थ्रू हमें प्रोसेस करके डाटा दे देते हैं, ठीक है। Also known as peripheral devices. देखिए ये peripheral, मैं आपको बताऊं तो ये मेरे ख्याल से account assistant में ये peripheral का एक अलग topic उन्होंने mention किया हुआ है। देखिए इनको, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इनको peripheral devices बोलते ही हैं,
और साथ में आप पेरिफेरल डिवाइसेस जब आ जाए ना, पेरिफेरल डिवाइसेस कल को आपका ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाता है एक इनपुट प्लस आउटपुट प्लस मेमोरी, इन तीन चीजों को मिला के बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए हमें पता है पेरिफेरल क्या होता है, जैसे ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, ये हम सब की बॉडी, ये हमारी आर्म्स, ये लेग्स, ये जो होगी ये पेरिफेरल होगी, ये सपोज कर लें, ठीक है, इसको ज्यादा इतने अभी सीरियस मत ले लेना एग्जांपल को, मतलब ये पेरिफेरल डिवाइसेस का काम हो गया, ठीक है, ये पेरिफेरल हो गए हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह कोई भी जैसे सीपीयू या कंप्यूटर आ गया, उसके जो पेरिफेरल, उसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो कौन से हो गए, पेरिफेरल। अब उन्हीं में पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या आ जाता है, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक मेमोरी, इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपका एमसीक्यूज में यह आता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी है और उसमें मेंशन है, जैसे इनपुट अलग मेंशन है एक ऑप्शन में, सेकंड में है आउटपुट और थर्ड में है इनपुट एंड आउटपुट और फोर्थ में है नन ऑफ दीज, तो आप ये नहीं देखेंगे कि नन ऑफ दीज को आप टिक करें, नहीं, क्योंकि यहां पे मेमोरी नहीं, आप कहेंगे मेमोरी कहीं पे नहीं है ना, आप अगर मेमोरी नहीं है इन केस तो आप इन दोनों को भी बोल सकते हैं, ठीक है, आउटपुट। लेकिन यह मत कीजिएगा कि इन तीनों में से आप सोचें कि इन तीनों में से अच्छा कोई भी दो हो तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मेंशन होगा तो हम करें, इन दोनों को छोड़ के बाकी दो कोई भी नहीं, जैसे इनपुट और मेमोरी नहीं, आउटपुट इंपॉर्टेंट है, इन आउटपुट और मेमोरी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा या इनपुट एंड आउटपुट या फिर होगा इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ठीक है, यही दो ऑप्शन होंगे तो आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। अब क्या बोला मैंने कि पेरिफेरल डिवाइसेस, इनको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोला जाता है बिकॉज दे सराउंड द सीपीयू, क्योंकि सारे जो डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू कनेक्ट करते हैं, एंड मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, उनके इर्द गिर्द ये सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है। आप कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे ना, अगर लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, पर्सनल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है, ठीक है, उसमें भी सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, स्पीकर्स कनेक्ट करेंगे, स्कैनर कनेक्ट करेंगे, कुछ भी कनेक्ट करेंगे वो आप सीपीयू में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, अब देखिए ये लिखा हुआ है, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज तो पता ना आपको, जो मेन मेमोरी होती है, जिसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है कंप्यूटर के, ठीक है, वहां पे जो डेटा, और आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गया, सप्लाई रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज टू यूजर। तो आउटपुट का क्या काम होता है, प्रोसेस करने के बाद जो भी आपने दिया हुआ काम करने के लिए बोला था कंप्यूटर को, वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो आपको सेंड करेगा, ठीक है, यूजर को देगा। यहां तक हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है ये एक डायग्राम जिसमें आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा हिंट नॉर्मली हिंट के लिए, ये स्ट्रक्चर है एक, ये इसमें देखिए ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर आपको पता है कंट्रोल यूनिट भी आता है, एएलयू भी आता है, उसके बाद ये मेमोरी हो गया, इन दोनों को एक बॉक्स में डाल के ये कनेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं ये, और ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये वो डिवाइसेस नहीं है जो हमने सिर्फ अभी पढ़ने हैं, ये एग्जांपल पे एक डायग्राम पे मैंने आपको हिंट पे डायग्राम दिए, ठीक है, आपको थोड़ा कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी पता है आपको, स्कैनर भी पता है, स्कैनर आपको पता है जब आप कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं जब, तो जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जो स्कैन करके वो इन दी फॉर्म, वो आपके पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में होता है, बट वो स्कैन करके आपको क्या करता है, वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में करके फिर उसके बाद अपलोड करता है वहां पे। और जॉयस्टिक भी हम पढ़ेंगे, जॉयस्टिक क्या होती है, एक माउस टाइप का होता है जो गेम्स में ज्यादा यूज किया, इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है अभी। और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, जिसमें आप सब कुछ देखते हो क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है, प्रिंटर जहां से निकल के, और स्पीकर जहां सुनते हो, और हेडफोन्स, ये सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर से चीजें जो बाहर, मॉनिटर में डिस्प्ले होता है जो आपको दिखता है, प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है काम, वो सब आपको दिख रहा है। प्रिंटर में प्रिंट होकर निकल के आ रहा है, वो भी आपके पास आ रहा है। स्पीकर में आपने कोई गाना प्ले किया हुआ है, वो स्पीकर में आपको सुनाई दे रहा है, वो आउटपुट है वो। और हेडफोन्स आपने प्ले कनेक्ट किए और आप उसको सुन पा रहे हो, कंप्यूटर के अंदर वो प्ले हो रहा है, बट वो सुन वो क्या कर रहा है, बाहर प्ले करके आपको सुना रहा है वो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेस होगी, ठीक है। Welcome to Wings Ek Udaan. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. Wings aapke liye leke aaya hai mentoring cum coaching course.
यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपरली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। अब देखिए इनपुट, अब देखिए ये जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, मतलब किनके थ्रू कनेक्ट करते हैं, इनफैक्ट उनको क्या बोलते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इनपुट पोर्ट्स भी होते हैं, आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है, दोनों पोर्ट्स होते हैं, जहां भी आप कनेक्ट कर रहे हैं ताकि डेटा, अगर कीबोर्ड आप कहीं कनेक्ट करें तो वो इनपुट पोर्ट हो गया, अगर कहीं प्रिंटर का कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आउटपुट पोर्ट हो गया, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें, ऐसा मत सोचिएगा, कुछ अलग अलग पोर्ट होते हैं ये, ठीक है। पोर्ट इज अ कनेक्टिंग सॉकेट, ठीक है, सॉकेट की तरह होता है, जैसे आप कोई प्लग लगाते हैं, चार्जर, अपना मोबाइल का चार्जर लगाए, जैसे वो प्लग लगाया आपने चार्जर के लिए, तो उसी तरह ये सॉकेट्स होते हैं जिसमें आपको यूएसबी केबल्स मिलती हैं, आपको पता है यूएसबी केबल्स भी पता होगी आपको, उसी तरह कीबोर्ड के साथ केबल, यूएसबी टाइप का केबल भी होता है अलग अलग साथ, ठीक है, वही होते हैं सॉकेट, कनेक्टिंग सॉकेट आउटसाइड द सिस्टम इनटू व्हिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, वो केबल्स जो होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो थोड़े पोर्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, आर प्लग्ड, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उनको क्या किया जाता है, प्लग किया जाता है, लगाया जाता है कंप्यूटर के साथ, और क्या किया जाता है फिर उनका, उसके हिसाब से यूज किया जाता है। इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस फ्रॉम विच अदर डिवाइसेज कैन बी फिजिकली कनेक्टेड, मतलब फिजिकली आप उसको क्या कर रहे हैं, माउस को, कीबोर्ड को, प्रिंटर को, स्कैनर को फिजिकली कनेक्ट कर रहे हैं अपने लैपटॉप के साथ, अपने डेस्कटॉप के साथ, किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने पोर्ट्स का मतलब, सिंपली कौन से पोर्ट्स हो गए, ठीक है। अब देखिए पोर्ट्स में एक आता है पैरेलल पोर्ट, एक आता है सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट आपको सुनने से ही पता होगा, सीरियल पोर्ट भी, सीरियल पोर्ट कहें, ये पोस्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ा पोर्ट है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट आपको पता है जिसमें डेटा की जो पैरेलल, हमने वो बैच कोडिंग में भी हमने पढ़ा था पैरेलल प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल, वैसा ही है, सेम है, पैरेलल का काम है वो साइमल्टेनियसली डेटा को ज्यादा ट्रांसफर करता है, और ताकि जो स्पीड है आपकी सेंड करने की या रिसीव करने की, ठीक है, वो हाई हो जाती है उससे, ठीक है, वो होता है पैरेलल पोर्ट। अब पैरेलल पोर्ट ट्रांसमिट्स 8 bits, 1 byte में कितने बिट्स होते हैं, 1 byte में आपको पता है 8 bits होते हैं, ठीक है, 8 bits होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक टाइम में ये पैरेलल पोर्ट ट्रांसमिट 8 bits ऑफ अ बाइट और मोर, उससे भी ज्यादा डेटा एक टाइम में क्या करता है, सेंड करता है या रिसीव करता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग फास्ट, क्योंकि जिसका काम, अगर एक से ज्यादा बिट आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलली आप 8-8 bits अगर सेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आप बहुत ज्यादा उसको प्रोसेसिंग फास्ट है, स्पीड उसकी तेज है, ठीक है। ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस इट इज यूज टू कनेक्ट अ प्रिंटर, प्रिंटर आपको पता है आप जब जाते हैं प्रिंट निकालने के लिए, अगर ये यहां पे पड़ा हुआ है आपका डेस्कटॉप यहां पे, तो प्रिंटर भी कहीं इर्द गिर्द पास ही होता है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं होता वो तो है कंप्यूटर, ताकि वो तेजी से कितना प्रिंट, आजकल कैनन के कितने ज्यादा प्रिंट, आप थोड़ी सी कमांड देते हैं मतलब इतनी जल्दी वो प्रोसेसिंग करते हैं, उनमें कौन से पोर्ट्स के साथ लगा होता है, पैरेलल पोर्ट्स। और सीरियल पोर्ट्स कौन से होते हैं, जिनमें ये भी पोर्ट लिखा हुआ है, चलो इतना मिस्टेक चलता है। आप देखो सीरियल पोर्ट क्या होता है, 1 bit at a time देता है, ये बैच कोडिंग के हिसाब से, जैसे हमने पढ़ा था पहले 1 bit को प्रोसेस करेगा, उसके बाद सेकंड को करेगा, उसके बाद थर्ड को करेगा, पहला प्रोसेस हो गया उसके बाद वो सेकंड को प्रोसेस करेगा, साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस नहीं करता, इसलिए ये स्लो होता है, ठीक है। 1 bit of a byte, byte का 1 bit, 1 at a time, as an single stream of bits, एक स्ट्रीम ऐसे लाइन जैसे होगी, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे, ठीक है। इट इज मीन्ट फॉर ट्रांसमिटिंग स्लो डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात है तो आप क्या कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ओवर अ फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल पोर्ट, ठीक है। ये कुछ मैंने इसमें आपको थोड़ा
ताकि थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। जैसे ये सीरियल पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल डिवाइसेस या फिर पीडीए, पीडीए आपने पढ़ा था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो ब्लैकबेरी का सेट हमने पढ़ा था शायद आपको याद होना हो। उसके बाद क्या हुआ था, वो पेन टाइप का उसको हम यूज करते थे, वो पोर्ट्स वहां पे सीरियल लगते थे पैरेलल प्रिंटर्स के लिए और जिनमें ज्यादा लगा सकते हैं आप, ठीक है, जिनमें ज्यादा स्पीड की जरूरत है, माउस के लिए ये, गेम्स के लिए जॉयस्टिक्स में ये सीरियल पोर्ट्स या पैरेलल पोर्ट। लेकिन देखिए अब यहां पे लिखा हुआ ऑल रिप्लेस्ड बाय यूएसबी, ठीक है, हम ये तो मैंने ऐसे ही जनरली यहां पे पिक लाई है, लेकिन यहां पे कुदरती लिखा हुआ आ गया ये चीज कि देखिए इन सबको आजकल किससे रिप्लेस किया, यूएसबी। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी डेटा आपने, आप क्या ढूंढते हैं, यूएसबी केबल आपने कनेक्ट करना है। आपके व्हाट्सएप में अगर कुछ चीज है, आप उसको बोल रहे हैं जाके साइबर कैफे वाले को जाके बोलेंगे हाँ ये चीज, बहुत सीधा बोलेगा यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करो इसको, ठीक है। यूएसबी ने सबको इसके साथ क्या किया, रिप्लेस किया। क्यों किया है, उसकी क्या क्वालिटीज थी, सबसे पहले क्वालिटीज उसके साथ 127 पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल अभी बताया मैंने, इनपुट आउटपुट 127 कनेक्ट कर सकते हैं आपके उसके साथ, सच एज डिजिटल कैमरा, डिजिटल स्पीकर, स्कैनर एटसेट्रा, इट इज एक्सटर्नल पोर्ट अवेलेबल विद कंप्यूटर। आप जब भी लैपटॉप लेते हैं पोर्ट, देखिए लैपटॉप जब आप लेते हैं वहां पे तो आपको वहां से ज्यादा समझ आएगा, साइड में पोर्ट्स पहले ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनमें अगर वहां पे लैपटॉप में आप स्कैनर भी करते हैं ना कनेक्ट, वहां पे भी उसका भी पोर्ट होता है बैक में, यूएसबी केबल सारों के साथ एक ही यूएसबी होती है, आप कहीं पे भी कनेक्ट करते हैं साथ में, है ना, याद होगा आपको, ठीक है। इट इज एक्सटर्नल पोर्ट अवेलेबल, कंप्यूटर के साथ ही अवेलेबल होते हैं, नॉर्मली 2 to 4 यूएसबी पोर्ट्स आपके, नॉर्मली मेरे ख्याल से 4 तो होते ही हैं, ठीक है, आर प्रोवाइडेड ऑन ए पीएससी पीसी। यूएसबी हैज ऑल्सो द प्लग एंड प्ले फीचर। यूएसबी का क्या फायदा होता है, आप वहां पे लगे जस्ट यूएसबी केबल, आपने उसको प्लग किया, वो एक्टिव हो गया, आप उसको यूज कर सकते हैं, विच अलाउज डिवाइसेज रेडी टू रन, ठीक है। कोई भी डिवाइसेज अगर उसके यूएसबी लगा हुआ है, यूएसबी की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करना है, आपने जस्ट प्लग करना है और उसको कोई भी जो आप डिवाइस लगा रहे हैं, इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट डिवाइस लगा रहे हैं, आउटपुट डिवाइस लगा रहे हैं, और उसको आपने यूज करना है यूएसबी का, ठीक है। ये पोर्ट्स थे जो हमने पढ़े, और तरह के भी, ये एक और पोर्ट होता है फायरवायर, ठीक है। अब फायरवायर क्या होता है, इट इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो, जो हम बड़े बड़े, ये जो आप कैमरा जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, या फिर जिसमें जब मैरिज होते हैं, कोई भी फंक्शंस होते हैं, उनमें जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं जहां से वीडियो रिकॉर्ड होती है, ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं, उनके वक्त जो उनमें लगता है केबल्स लगती है, वो उनको बोलते हैं फायरवायर। वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत हाई होती है, इतनी जल्दी रिकॉर्डिंग होती है। आपको पता है अगर कोई हैवी कैमरा तो जब उसमें आप कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो उतनी ज्यादा एमबी की होती है, उतना ज्यादा उसकी स्पेस हाई होती है, तो उसके लिए वो, तो उसको आप जब सेंड करेंगे तो उसको वो भी जरूरत है। अगर आपने किसी से अटैच किया, जैसे अब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैमरा लगाया हुआ है, हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया होता है, तो इसकी जो कनेक्टिंग, जो इसकी केबल होती है वो भी यूएसबी से थोड़ी चेंज होती है, अलग होती है, उसकी स्पीड भी हाई रहती है, ठीक है। इट इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस लाइक वीडियो कैमरा। फायरवायर एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज फॉर लार्ज डेटा मूवमेंट। जैसे मैंने बोला हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या मैरिज में कहीं पर भी बड़े बड़े वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो मूवीज बनाने वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड होती है उसमें बहुत ज्यादा लार्ज डेटा की, वो जो भी वीडियो बनती है वो लार्ज डेटा होता है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए बड़ी केबल्स चाहिए होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, फायरवायर बोलते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क जो आजकल आती है, न्यू डिवाइस कनेक्टेड थ्रू फायरवायर, इट इज आजकल तो चोर, लेकिन आजकल तो 800 एमबी वाली भी आ गई हुई है फायरवायर, जिसकी स्पीड कितना है 800 एमबी पर सेकेंड, वो इतनी डेटा को एक साथ ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है, इतनी स्पीड होती है। अब देखिए इसमें आपका कंप्लीट यहां तक होता है पोर्ट्स, आपने पोर्ट्स पढ़ लिया कि हाँ भाई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, कहां का पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, थोड़ी डायग्राम देख लिया आपने, पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिएगा। अब हमारा यहां पे आकर एक टॉपिक स्टार्ट होता है इनपुट डिवाइसेस। अब आपको समझ आया हार्डवेयर के अंदर जो उन्होंने जेकेएसएसबी वालों ने हार्डवेयर दिया हुआ है आपको टॉपिक, वो एक्चुअली हार्डवेयर अलग कुछ भी नहीं, उसमें मेन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही हैं, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या हो गया, देखिए इनपुट डिवाइसेस में जैसे आपको पता है, देखिए आजकल तो हमारी लाइफ ही ऐसी है, हम फुली डिपेंडेंट ही लैपटॉप पे, ठीक है, खास करके ये कोरोना के टाइम पे तो जो पहले छोटे स्टूडेंट, जो बच्चे हैं घर के, वो भी पूरे के पूरे डिपेंड हो गए हुए हैं इस पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है,
मेनली ये मेन चीज जो हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस हैं, ऑनलाइन कोर्स हैं, हर चीज ऑनलाइन है, तो लैपटॉप उनको सेपरेट चाहिए, हर चीज सेपरेट चाहिए अलग, ठीक है। इसलिए सबको पता है कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, जनरली आपको सबको पता होता है इसके बारे में, देखिए। इसलिए अब क्या इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल आपको मैंने पढ़ाया भी था हिस्ट्री में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कौन से होंगे, जिनमें आप मैकेनिकल वर्क भी कर रहे हैं, उसके मैकेनिकल वर्क करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्क भी हो रहा है, उसको बोलते हैं, दोनों का वर्क हो रहा है, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए मैकेनिकल कैसे, मैं सपोज कीबोर्ड की बात करता हूं, कीबोर्ड में आप जब क्लिक करते हैं किसी को, एंटर कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डायल हो गया वन, या किसी अल्फाबेट को एंटर आप उसको स्ट्रोक कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो मैकेनिकल वर्क है ना, आप उसको ऐसे टच कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टच करके क्लिक कर रहे हैं, वो मैकेनिकल वर्क है। लेकिन जब थ्रू वायर्स जो काम हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक वर्क है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू फीड डेटा, फीड मतलब देना, डेटा देना किसको, कंप्यूटर को देना, इनटू द कंप्यूटर फॉर एनालिसिस, बाकी कंप्यूटर का काम है वो उसको एनालाइज करे, स्टोर करे, प्रोसेस करे, जो करवाना हमने, टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर, जो आपने काम करवाना वो फर्दर उसका काम है करने का। दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस From the user and convert the accepted instructions into the machine language. जो भी आप instruction दे रहे हैं, input devices क्या करते हैं, उनको convert करके machine language में, फिर computer, क्योंकि computer ने तो समझना machine language है ना, आप यहां से A dial कर रहे हो, display भी A हो रहा है, लेकिन बीच में जो समझ रहा है उसको कैसे पता लग रहा है कंप्यूटर को कि भाई ये ए डायल हुआ है, उसको अपनी लैंग्वेज 01 में ही समझ आएगा उसको, तो वो बीच का जो काम है फट वो किस में, इसलिए क्या कर रहा है इनपुट का, वो भी काम है, इनपुट का काम है उसको डिकोड करके मशीन में करना, और आउटपुट का काम है वापस उसको वैसे शो करना, ठीक है। दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट द एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस तो हमें पता चल गया कौन कौन से, वो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, डेटा कंप्यूटर को देना, कमांड देना, कुछ भी करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ताकि वो करे काम, ठीक है। अब उनमें कौन कौन से कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, एक कीबोर्ड, सेकंड पॉइंट एंड ड्रॉ, पॉइंट एंड ड्रॉ, देखिए अब पॉइंट एंड ड्रॉ में पॉइंटिंग डिवाइसेस, अब जब कोई वीडियो अगर रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे ये भी एक पॉइंट एंड ड्रॉ, ये मैं इनपुट दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं ना, ये मेरे पास क्या है स्टाइलस है ये, ठीक है, स्टाइलस क्या कर रहा है, इसको ऐसे ऐसे कर रहा है ये, मैं ऐसे इसको जिस हिसाब से इसको मूव कर रहा हूं उसी हिसाब से ये काम कर रहा है, ये भी इनपुट डिवाइस है, इनपुट दे रहा हूं ना मैं इस कंप्यूटर को, ये भी इसी तरह ये पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस ये भी आते हैं, डेटा स्कैनिंग को स्कैनिंग करने के लिए, डिजिटाइजर ये भी हम पढ़ेंगे कैसे डिजिटाइजर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, विजन रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस, इन सारों को कॉमनली इनमें ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्या इनपुट डिवाइसेस आपके, ठीक है, इन सारों को हम पढ़ेंगे और फिर आपके यहां पे क्लियर हो जाएंगे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। और वेटेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस है उस हिसाब से आपको क्या आएगा क्वेश्चन, अगर जिनका अगर 10 मार्क्स है अकाउंट असिस्टेंट का, तो इसमें से 1 मार्क का आएगा, ठीक है, उसी तरह, और आएगा भी नहीं आएगा ये भी कोई गारंटी नहीं है इनफैक्ट, ठीक है, लेकिन अगर अलग से मेंशन है तो 1 मार्क का आएगा ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड, सबसे पहले है कीबोर्ड, तो हम स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। अब कीबोर्ड तो आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, पहले हम इसकी ये डायग्राम देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, इनफैक्ट बहुत अच्छे से पता आपको कीबोर्ड, मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा होगा जिसने कीबोर्ड ना देखा हो कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। अब देखिए ये है कीबोर्ड की डायग्राम, अब मैं भी आपको वहां से ना दिख रहा हो, मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखे। वेलकम एवरीवन, गाइस जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है, अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें, और इस प्रिपरेशन में विंग से उड़ान आपके साथ है। गाइस वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स, मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है,
आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार-फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग से कुरान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS Academy, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को देखें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडिट टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप, उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए, और ये कोशिश कामयाब हुई, आपको दिखेगा आप शायद, ठीक है। अब देखिए, ये कीबोर्ड सबने देखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का कीबोर्ड होता है। कुछ में ये पार्ट नहीं होता, ठीक है, जिनको छोटा चाहिए होता है उनको यहां तक, कुछ को ये पार्ट नहीं होता, कुछ में ये पार्ट भी, ये न्यूमेरिक पार्ट होता है, इसमें न्यूमेरिकल लॉक, ये देख, क्योंकि कैप्स लॉक भी होता है, न्यूमेरिक लॉक भी इसमें होता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये पार्ट को हटा ही देते हैं। तकरीबन आप देखेंगे तो लैपटॉप में आजकल जो छोटे साइज कर रहे हैं ना, वो इसको हटा के छोटा साइज आ जाता है, ठीक है, कर ये पार्ट नहीं होता। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एस्केप होता है, फंक्शंस कीज होती हैं, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन, ये आगे पंक्चुएशंस या फिर कुछ होम एंड, ये न्यूमेरिक लॉक, ये न्यूमेरिक कीपैड, ये एरो कीज, ये एरो की आ जाती है, यहाँ पे होम, डिलीट, एंड, पेज डाउन सारा, ये नीचे कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, उसके बाद ये सारे अल्फाबेट्स, ये यहाँ, ये पूरे अल्फाबेट्स, ये 1 से लेके 9 तक, 0 भी है साथ में, ये पूरे न्यूमेरिक, ये नंबर्स आ गए, ये बैक स्पेस आ गया, ये ब्रैकेट्स आ गए, ये एंटर, ये शिफ्ट, ये कंट्रोल, ये मेन्यू, ये विंडो, ये आल्ट, ये डबल डबल है यहाँ पे, ये डॉट, कॉलम, कैपिटल, ये आ गया, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगा आराम से। देख लीजिए यहाँ पे लिखा एस्केप, फंक्शन कीज, एंटर कीज, बैक स्पेस, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल करने वाला, इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स भी होते हैं ना यहाँ पे कीबोर्ड पे, जब आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं या न्यूमेरिक कीज ऑन करते हैं, जब ऑफ करने होते हैं तब इंडिकेटर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, लाइट ऑन हो जाती है। और जिनमें ये नहीं होता उनमें क्या होता है, कुछ में यहाँ पे क्या होता है, कैप्स लॉक के ऊपर ही लाइट होती है, ठीक है। तो फिर आ गया नंबर पैड, एरोज, कंट्रोल कीज, मेन्यू, यही हमने सारा पढ़ना है, ये टैब्स क्या होती है, इनको पढ़ाने, इनको ज्यादा डिटेल क्या, इनफैक्ट इसमें क्या ही डिटेल में जाएंगे, आपको सबको पता, आप इतना यूज करते हैं, सबको पता होता है, ठीक है, क्या क्या होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इनसे, ठीक है। ये आपने डायग्राम देख ली है, अब आगे टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर किस किस तरह की जो होती हैं कीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट कीज अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा आया अल्फाबेट से और न्यूमेरिक आया 1, 2, 3, मतलब वो कीज जिनमें कुछ कीज होती है ना जो आपके मेंशन हो, एक तो न्यूमेरिक कीज होती है सबसे राइट हैंड में, जो मैंने अभी बताया आपको कि जिसको हटा सकते हैं, जैसे मैं इसको वापस बैक कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं, जैसे ये 1, 2, 3 यहां पे तो सिर्फ न्यूमेरिक लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे कुछ कीज ऐसी होती है जहां पे अल्फा, इनको बोल सकते हैं आप, ये अल्फा मतलब ये नीचे होते हैं लेटर, ऊपर होते हैं क्या, ये नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, और उनके ऊपर ही कुछ साइंस भी होते हैं, ठीक है, इन दोनों को बोल रहे हैं ये, एक ये अल्फा, अल्फाबेट वाली ये और प्लस ये डिजिट्स वाली, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज, इट इंक्लूड्स लेटर्स और साथ में नंबर्स, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन कीज कौन सी होती है, कॉमा, सेमी कॉलन, जो बाकी होती हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, ये ब्रैकेट्स हो गए, स्ट्रेट लाइन, स्लैश, उसके बाद हाइफन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, ये सारे जो होते हैं ये कौन से होते हैं, ये पंक्चुएशन कीज के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक कीज में कौन सा आ गया, मैंने बताया 1, 2, 3, 4, वही, दीज कीज आर लोकेटेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड, ये राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड, ये न्यूमेरिक कीज होती है, ठीक है।
ये आ गया लिखा हुआ। अब नेक्स्ट आ गया, इसको साथ में देख के पढ़ते रहोगे या फिर तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, किससे मिली हुई है वो, देखिए डिजिट्स तो बने हुए 1 2 3, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से आ गए, ये प्लस, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके बाद ये बाकी, एंटर नहीं, प्लस माइनस, ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ताकि आप उसको क्या कर सके, 1 2 एड, ये जो भी है फंक्शन ये उसके साथ कर सके, ठीक है। ये कौन सी कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कीज, फंक्शन कीज कौन सी होती है, ये लिखा हुआ है फंक्शन कीज, आपको दिख रहा होगा F, ये F1 से लेके कहां तक होती है, F12 तक होती है, ये 12 होती है, F12 तक होती है, कौन सी, फंक्शन कीज। और इन्हीं कीज के ऊपर कभी देखेंगे आप तो वहां पे साथ में और भी, ताकि ब्राइटनेस आप ज्यादा कर सके, कम कर सके, वो भी होता है वहां पे, अगर आप देखेंगे साथ में इसके ऊपर ही लिखा होता है। दीज आर 12 फंक्शनल कीज लेबल्ड F1 to F12, दी फंक्शन कीज असाइन टू दीज के डिफर फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर पैकेज टू अनदर, अलग अलग हिसाब के साथ इनको, अगर आपने प्रोग्राम बनाने, अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसका अलग अलग यूज किया जाता है, ठीक है। दीज कीज आर ऑल्सो कॉल्ड यूजर प्रोग्रामेबल कीज, ये थोड़ा देख ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट ठीक है, आप देख सकते हैं, क्यों इनको क्या बोल सकते हैं, यूजर प्रोग्रामेबल कीज, बाकी इनमें से तो कुछ नहीं आएगा, नॉलेज होनी चाहिए आपको, यूजर प्रोग्रामेबल कीज भी बोलते हैं इनको, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोग्राम, यूजर जब प्रोग्राम बनाता है उस टाइम इन कीज को यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कर्सर कंट्रोल कीज, कर्सर कंट्रोल मतलब कर्सर क्या हो गया, आपका माउस, जो आपके माउस को कंट्रोल करता है वो कीज कौन कौन सी है, ताकि आप माउस को ना यूज करें, माउस के बिना आप अगर लैपटॉप में या पीसी में कुछ भी काम कर सके, वो कीज कौन कौन सी होती है। इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्शनल एरो कीज, ताकि आप लेफ्ट जा सकें, राइट जा सकें। अब देखिए माउस से आप क्या करते हैं, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, अप जाएं, डाउन जाएं, डायगनली जाएं, जहां मर्जी जाएं आराम से जा सकते हैं, लेकिन अगर माउस यूज नहीं कर रहे उसके अलावा लेफ्ट राइट कौन सी जाती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये आपके बाद कॉमा डाल दीजिए, दे आर असाइंड इन अ वर्टिकल टी शेप। अब देखिए ये लिखा हुआ वर्टिकल टी, सॉरी इनवर्टेड टी, ये इनवर्टेड टी ऐसे होता है, टी ऐसे होता है, और ये कैसे है, इनवर्टेड टी, इस फॉर्म में होते हैं, इस शेप में होते हैं, कौन सी, इसलिए इनको बोलते हैं, ठीक है। इससे आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट आ सकते हैं, ठीक है, ये वो वाली कीज होगी, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट अल्फा अरेंज इन वर्टिकल टी फॉर्मेशन बिटवीन अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक कीपैड, और ये कहां पे होती है, अल्फा न्यूमेरिक कीज ये होगी और न्यूमेरिक कीज ये हो गया, इन दोनों के बीच में कौन सी होती है, ये एरो कीज हो गया, ठीक है। उसके बाद अबव द एरो कीज देर आर 4 मोर कीज, इनके ऊपर देखिए ये कीज है, 4 मोर कीज नहीं, ये ज्यादा कुछ में होती हैं, ये कुछ में इंसर्ट नहीं होता होगा, डिलीट यहां पे नहीं होता होगा, 4 मोर कीज के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये 4 आ गई, कौन कौन सी 4 आ गई, होम एंड पेज अप और पेज डाउन, और इन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल कीज आ गई। अब होम का मतलब क्या आया, जो आप अगर किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं सेंटर में या फिर कहीं पे हैं, तो आप होम का पेज दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के क्या आ जाएंगे, होम पे बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे आप, ठीक है। इट रिटर्न्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड में क्या हो जाएगा, इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में आपको ले जाएगा। पेज आपका मतलब क्या आ जाएगा, व्हेन इट, जब आप प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करते रहेंगे, देखिए दो ऑप्शन होते हैं, या फिर आप माउस के साथ जो बीच में आपका एक व्हील टाइप का वहां पे बना होता है, माउस में व्हील टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप अप करें या स्क्रॉल करते हैं, जैसे रोटेट करते हैं उसको, अगर ऊपर की तरफ करेंगे वो अप जाएगा नीचे की तरफ, या फिर अदरवाइज आप इस पेज अप को करेंगे तो क्या करता रहेगा, पेज आपका ऊपर की तरफ वन पेज मूव होता रहेगा, ठीक है। और पेज डाउन से क्या हो जाएगा, वही पेज नीचे आता रहेगा आपका, ठीक है। अब इसके साथ ये 4 भी कीज हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अदर कीज कौन कौन सी कीज हैं वो देखें आप, कंट्रोल की,
कंट्रोल की पता आपको, इसको हम यूज करते हैं दूसरी कीज के साथ, कुछ अदर फंक्शंस, एक्स्ट्रा फंक्शन जैसे कंट्रोल बी अगर आप करेंगे तो लेटर बोल्ड हो जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। इसका अगर अलोंग विद अदर की जब आप इसको यूज करते हैं तो इसका क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड विद द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसी और के साथ मिलके ऑफ अदर कीज टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी ऑन दी कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद आ गया एंटर की। एंटर की में क्या आ जाएगा, इट इज यूज्ड टू फिनिश एन एंट्री। एंटर की में क्या आ जाएगा, जब आप एंटर करेंगे, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, आप एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हो उसमें भी एंटर का ऑप्शन होता है। एंटर का ऑप्शन कैसे होता है, ऐसे ऑप्शन लिखा होता है ना, ऐसे एरो का निशान होता है, इसको आप एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह इट इज यूज टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन द न्यू एंट्री। न्यू एंट्री में आ जाएगा डॉक्यूमेंट। एंटर की इज एन अल्टरनेटिव टू प्रेस ओके। ओके का काम भी जो अल्टरनेट की में काम करता है, मतलब अल्टरनेट मतलब क्या हो गया कि अगर ये नहीं है तो ये चल सकता है, इसकी बदले ये काम कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ओके आ जाता है, आप ओके करते हैं तो ओके का मतलब हो जाता है कि हाँ भाई बस इतना खत्म। तो एंटर भी काम करेंगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाता है, ठीक है। कुछ में ऐसे होते हैं वहां पे, आप अगर आप सेटिंग में करेंगे तो एंटर के बाद वो ओके का, आप कभी भी अपनी सेटिंग में जाएंगे, व्हाट्सएप की सेटिंग में अगर जाएंगे तो कुछ में वहां पे मेंशन किया होता है कि अगर आप एंटर करेंगे तो ओके हो जाएगा वो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको देखिएगा, ये थोड़ा याद रखिए कि एंटर की इज एन अल्टरनेटिव टू प्रेस ओके बटन, ठीक है। शिफ्ट की कौन सा आ गया, अब ये देखते आपको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट एंटर ये देखते रहिएगा, वहां पे लोकेशन कोई नहीं आपसे पूछेगा कि एंटर कहां पे है, एंटर कहां बस रहा है और शिफ्ट की कहां बस रही है, ठीक है। अब शिफ्ट की का क्या आ गया, दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। देखिए एक कैप्स लॉक की होती है जिसको आप जब उसको ऑन करते हैं वो इंडिकेटर भी आता है उसका, और साथ में ऑन करने के बाद उसको छोड़ दें, आप उसके बाद जितने लेटर टाइप करेंगे वो सारे कैपिटल में आएंगे, और जब आप कैप्स लॉक की को ऑफ कर देंगे तो जितने आपके लेटर हैं वो सारे स्मॉल में चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट जब टाइप करेंगे आप वो सारे स्मॉल में आएंगे। उसी तरह अब शिफ्ट की का क्या काम होता है, आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, ट्राई कीजिएगा, शिफ्ट को जब आप प्रेस करके रखेंगे अगर आप कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो कैपिटल आएगा, और जब उसको छोड़ देंगे तो नेक्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली वो स्मॉल चला जाएगा। फर्क पता चल गया, कैप्स लॉक में एक बार ऑन करना है सारे ऑन कैपिटल हो जाएंगे, लेकिन शिफ्ट की में आपको प्रेस करके रखना है कैपिटल में ले जाने के लिए। और आपको शिफ्ट की का यह भी पता है, जिन कीज में दो फंक्शंस होते हैं, जैसे वन लिखा है, जैसे यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, वन के ऊपर ये मार्क साइन सिंबल है, टू के ऊपर ये एट दी रेट, ये अगर आपने ऊपर वाला सिंबल यूज करना है तो आपने शिफ्ट दबाना और ऊपर का दोनों को इकट्ठे, मतलब पहले शिफ्ट उसके बाद सेकंड को दबाएंगे तो वो आपका टाइप हो जाएगा, ठीक है। ये भी काम होता है शिफ्ट का, ठीक है। उसके बाद दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर व्हेन प्रेस्ड अलोंग विद एन अल्फाबेट एंड आल्सो यूज टू टाइप द स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर मैंने बताया सिंबल्स, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन द अपर साइड, उस की के ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जब आप प्रेस करेंगे तो वो भी टाइप हो जाएगा। ऑफ ए की दैट हैज टू कैरेक्टर्स डिफाइंड, जिन की के ऊपर दो कैरेक्टर मेंशन होंगे, ठीक है, ऑन द सेम की। दिस की इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन की। ये भी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन की किसको बोला जाता है, आप याद रखिएगा शिफ्ट की को बोला जाता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज की जाती है। अब नेक्स्ट आ गया एस्केप की। एस्केप की आपको पता है कॉर्नर में लेफ्ट में टॉप में होती है एस्केप की, ये निकल के जब आप विंडो प्लस एस्केप करेंगे तो आप क्या हो जाता है, आप सीधा बाहर आ जाते हैं, कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो सीधा बाहर आ जाएंगे आप, ठीक है। बाहर मतलब डेस्कटॉप के डेस्कटॉप में होम पेज में आ जाएंगे आप, ठीक है। एंटर एस्केप की इट अलाउज अ यूजर टू कैंसिल, ये कैंसिल भी करने का काम आता है। अबॉर्ट ऑपरेशन, अगर कोई काम कर रहे उसमें एस्केप दबाएंगे तो वो भी आप, मैंने आपको बोला बाहर आ जाएंगे। उसके बाद विच आर एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको क्या कर देगा, अबॉर्ट कर देगा, कैंसिल कर देगा। इट ओपन स्टार्ट मेन्यू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की, अगर कंट्रोल की को प्रेस करके आप एस्केप की दबाएंगे तो क्या करेगा, मेन्यू आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्पेस बार की,
स्पेस बार की इट इज यूज टू एंटर स्पेस एट द करंट, जहां पे भी आपका कर्सर होगा स्पेस बार की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है और उसको जब आप प्रेस करेंगे तो जिस भी कर्सर में आपका कर्सर जिस पोजीशन में होगा उसमें क्या हो जाएगी, स्पेस आ जाएगी। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट की, ये देखिए ये बनता है आपका एक एमसीक्यू में, ऐसे ऐसे पॉइंट में से आपका बनना है, क्योंकि देखो आना अल्टीमेटली आपको एक और दो नंबर में है। देखिए पढ़ना इतना पड़ता है लेकिन उसमें से आना एक दो मार्क्स से होता है, तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, और मेरी कोशिश पूरी है कि आपको मैं जितना कवर, क्योंकि मैं बुक से भी पढ़ रहा हूं कुछ अदर सोर्सेज से भी पढ़ के जितना होता है मैं आपको करवाता हूं, ठीक है करवा रहा हूं। लॉन्गेस्ट की किसको बोला जाता है, स्पेस बार की, अंडरस्टूडेबल है। अगर आप कहें ना जनरल अवेयरनेस की बात, तो जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अवेयरनेस की बात कर, उसके बाद बैक स्पेस की, इट इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप, जब भी कोई भी चीज लिखी है आप उसको बैक स्पेस करेंगे वो इरेज। अब देखिए बैक स्पेस और डिलीट की में क्या छोटा छोटा माइनर काम दोनों का, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा, लेकिन इट इज यूज टू इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। आपको डिलीट की को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी से ही इंफॉर्मेशन को इरेज कर देगा एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन और नॉर्मली जो स्क्रीन होंगे उसको करें, लेकिन बैक स्पेस को आप वैसे यूज नहीं कर सकते। कैसे, किस चीज के लिए, कि कंप्यूटर की मेमोरी को डिलीट, लेकिन आप कोई भी चीज डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर में से वो कैसे डिलीट करते हैं, डिलीट दबाते हैं ना या बैक स्पेस दबाते हैं, नहीं वो आप डिलीट की दबाते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, इंसर्ट की, इट इज यूज टू टॉगल बिटवीन, टॉगल का मतलब होता है चेंज करना, जैसे कैप्स लॉक के टॉगल करता है उसको, कैप्स लॉक को टॉगल की भी बोलते हैं, यहां पे आएगा शायद मैंने लिखा होगा, अगर कैप्स लॉक में नहीं लिखा तो कैप्स लॉक के भी याद रखिए टॉगल की भी बोलते हैं, क्योंकि वो चेंज करता है, क्या चेंज करता है, उसकी पोजीशन चेंज कर, चेंज कर देता ना उसकी अल्फा, अगर अल्फाबेट्स में आप टॉगल वो कर देंगे तो वो स्मॉल से कैपिटल में कर देगा, कैपिटल में स्मॉल कर देगा। हाँ, थे हम टॉगल बिटवीन इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड। इंसर्ट में क्या करेंगे, आपको भी चीज इंसर्ट करनी है, न्यू डॉक्यूमेंट आपने इंसर्ट करना है, कुछ करना है, इंसर्ट की दबाएंगे वो तो क्या हो जाए, इंसर्ट करता है किसी भी चीज को। कैप्स लॉक की, इट इज यूज टू टाइप द अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर और द लेटर फ्रॉम बीइंग टाइप इन द कैपिटल लेटर व्हेन ऑन, कैपिटल लेटर व्हेन ऑफ, स्मॉल लेटर, और इसको टॉगल की भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक लॉक की कौन सा आ गया, इट इज यूज टू एनेबल एंड डिसेबल, इस की को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो आप डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, नहीं तो उस बोर्ड को जो लास्ट का होता है उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिक सॉरी लास्ट नहीं, जो ऊपर नंबर है उनको भी ऑफ कर सकते हैं न्यूमेरिक कीज के साथ। ठीक है, उसके बाद आ गया विंडोज ऑन, विंडोज की, इट इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, विंडो को दबाएंगे तो आपका मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आपका पूरा पूरा का पूरा सारे सिस्टम सारे फंक्शन सारी एप्स आ जाएंगे, जिसमें आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं कुछ भी। टैब की, टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट पोजीशन। देखिए आप जो फॉर्म फिल करते हैं ना, देखिएगा वहां पे जब आपका पहले यहां पे ऐसे कॉलम रो बना होता है, ऐसे ऐसे रो, जैसे पहला नाम आपने यहां पे डाल दिया, सपोज मैंने डाल दिया कि अजीत, ये डाल दिया मैंने अपना नाम। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट में जाना है तो हम क्या करते हैं, कर्सर लेते हैं तो यहां पे आके क्लिक करते हैं, फिर यहां पे टाइप करते हैं, लेकिन टैब की से क्या होता है, आप टैब की दबाएंगे ना तो जो नेक्स्ट होगा ना डायरेक्ट, अगर उसके नेक्स्ट ये है तो वो सीधा इसी बॉक्स में चला जाएगा कर्सर आपका, और वहीं से आप क्या सीधा टाइप करना शुरू कर देंगे, मतलब कीबोर्ड में ही आप यूज करें, माउस को टच करने की भी जरूरत नहीं है। टू कर्सर टू द नेक्स्ट पोजीशन डिफाइंड इन द डॉक्यूमेंट या किसी भी डॉक्यूमेंट में करेंगे वहां पे चेंज हो जाएगा। ऑल्सो इट इज यूज्ड इन इंटेंट ऑफ पैराग्राफ। इंटेंट ऑफ पैराग्राफ का मतलब हो गया पैराग्राफ को आप पैरा में बना रहे हैं, जब उसको डिवाइड कर ले, ठीक है, उसको इररेगुलर कर रहे हैं, मतलब एक पैरा से दूसरे पैरा में कर रहे हैं तब ये करेंगे तो तब भी वो हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट की कौन सी आ गई, ऑल्सो लाइक द कंट्रोल की तरह होता है ये। Alt key is also used in combination with other keys to perform specific task. इसको use करने के साथ इसको plus other keys को जब हम use करते हैं, Alt control ऐसे use करते हैं हम, Shift control, Shift Alt करके use करके other functions करने के लिए तब हम Alt key को क्या करते हैं, use करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, keyboard का रखेंगे, इसमें मेरे ख्याल से next video में शायद input आपका खत्म हो जाए या नहीं तो एक और video, तीन videos हो जाएंगे input में, उसी तरह output devices में भी आएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम पढ़ेंगे। आज ये कीबोर्ड तक का हो गया है, मैं साथ में पीडीएफ भी बना रहा हूं, ताकि ये इसलिए साथ में बना रहा हूं ताकि जब आपको वीडियो मिले तभी मैं आपको साथ में दे दूं, साथ में या एक दो दिन के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, साथ साथ में पढ़ते रहें ताकि आप, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।